एंड वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूँ आपकी होस्ट नैंसी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज आप सबके फेवरेट प्रोग्राम फ्लैशबैक में। आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं उन सितारों को लेकर जो काफी ही ज्यादा खबरों का कारण बने होते हैं, साथ ही साथ आपको थोड़ा हम फ्लैशबैक भी लेके जाते हैं कि किस तरह से ये सितारे जो है जैसे पहले थे अब भी वैसे हैं या नहीं। आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित जो हैं वो इन दिनों काफी ही ज्यादा खबरों का कारण बनी हुई हैं, और कारण भी इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि वो बेहद ही जल्द बॉलीवुड में टोटल धमाल से दिखने जो वाली हैं, और वो भी अनिल कपूर के साथ। अनिल और माधुरी की जोड़ी जो है वो 18 साल बाद एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई देगी, और साथ ही साथ उनका हाल ही में टोटल धमाल का पहला पोस्टर भी सामने आया। आपको बता दें कि टोटल धमाल का जो पहला पोस्टर सामने आया है जिसमें अनिल और माधुरी का जो पोज है ठीक आज से 18 साल पहले जो उनकी आखिरी फिल्म थी उसमें भी दिखाई दिया था। मतलब यूं कहें कि 18 साल पहले जो उन दोनों की केमिस्ट्री थी आज भी वो बरकरार है। आप जानेंगे कि किस तरह से 18 साल पहले जो था वो सेम पोज और अब का टोटल धमाल का सेम पोज एक बार फिर से सामने दिखा। तो वहीं आपको बता दें बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी कपल हैं जो हमेशा से अपने रिलेशन को लेकर जाने जाते हैं, या फिर यूं कहें कि अगर उन्हें पर्दे के पीछे देखा जाए तो वो काफी ही ज्यादा खुश भी दिखाई देते हैं। मगर हाल ही में एक ऐसी खबर आ रही है और वो है कपूर खानदान को लेकर। जी हाँ, अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कपूर खानदान को लेकर क्या खबर आ रही है, तो आपको बता दें यहाँ हम बात कर रहे हैं नीतू कपूर और उनके पति ऋषि कपूर को लेकर। दरअसल ये खबर आई है कि नीतू को उनके पति बेहद ही ज्यादा मारते थे जब वो नशे कर लेते थे। आप जानेंगे पूरी ये खबर, और साथ ही साथ नीतू ने इस बात का भी जिक्र किया है कि जब उनको इतनी मार पड़ती थी या फिर उनके साथ जब वो काफी ज्यादा गंदा व्यवहार करते थे तब एक ही ऐसा कपूर परिवार का शख्स था जो उनकी मदद करता था। फ्लैशबैक में आप जाके देखेंगे कि किस तरह से कौन ऐसा शख्स था जो नीतू की मदद करता था। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की धक धक क्वीन कहलाए जाने वाले माधुरी दीक्षित जो हमेशा से बेहतर डांस के लिए जानी जाती हैं, तो वहीं माधुरी बेहद ही जल्द फिल्म टोटल धमाल से बॉलीवुड में कमबैक करने वाली हैं। बता दें कि अनिल कपूर के साथ इस फिल्म में उनकी जोड़ी नजर आएगी। खबरों की माने तो फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आया, तो वहीं इसमें ठीक वैसे ही ये रोमांटिक अंदाज में पोज दे रहे थे जैसे 18 साल पहले फिल्म पुकार जो 2000 में दिखाई दी थी उसमें देते दिखे। गौरतलब है कि पुकार में माधुरी अनिल की एक्टिंग के रूप में आखिरी बार दोनों सिल्वर स्क्रीन पर दिखे थे, जिसके बाद दोनों ने फिल्म लिज्जा में काम किया लेकिन साथ ही उनका कोई सीन नहीं था। तो वहीं फिल्म टोटल धमाल को डायरेक्ट कर रहे हैं इंद्र कुमार। ये 2007 में आई धमाल और 2011 में आई डबल धमाल का सीक्वल है। पहले दोनों पार्टनर्स में संजय दत्त, रितेश देशमुख, अर्शद वारिस, आशीष चौधरी और जावेद जाफरी अहम भूमिका में नजर आ चुके हैं। तो वहीं तीसरे पार्ट में कास्ट में कुछ बदलाव किया गया। इस बार फिल्म में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अजय देवगन और सलमान खान भी दिखाई देंगे। साथ ही इस फिल्म को 18 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर जो हमेशा से अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं इन दिनों ऋषि कपूर अपनी फिल्म 102 नॉट आउट की रिलीज में लगे हैं। बता दें इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ अमिताभ बच्चन भी नजर आने वाले हैं। वहीं कई फिल्मों में काम करने वाले ऋषि के बारे में कहा जाता है कि वो गरम मिजाज के हैं। इतना ही नहीं, नशा करने की आदत से वो खबरों में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने नीतू सिंह से कई बार बदसलूकी तक कर दी। इस बात का खुलासा खुद नीतू ने अपने एक इंटरव्यू में किया था कि वो भरपूर परिवार की बहू है, उसमें सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो उन्हें अपने पति की बदसलूकी से बचाता आया है, और वो कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा रणबीर कपूर है।
उन्होंने बताया कि कपूर खानदान में एक कायदा रहा है कि कोई किसी की लाइफ में दखल नहीं देता। वो कहती हैं कि मैंने समझ लिया था कि मेरे बेटे के अलावा और कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि उन्हें बुरा लगता था कि वो एक बेटे को उसके लिए पिता के खिलाफ खड़ा कर रही है, जबकि ऋषि एक बेहतर अच्छे पिता है। चिंटू नशीले पदार्थ पीने के बाद अपना आपा खो देते हैं, जो कभी चीजें उनके सामने आती हैं वो उसे तोड़ फोड़ भी देते हैं। साथ ही मेरे साथ भी वो बदसलूकी करते थे। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर, जो हमेशा से अपनी दमदार एक्टिंग के साथ साथ अपने गुस्से के लिए भी जाने जाते हैं, ऋषि कपूर कुछ दिनों से ट्विटर से दूर हैं, लेकिन अब वो एक बार फिर से सोशल नेटवर्किंग साइट पर वापस आ गए। साथ ही ऋषि कपूर ने कहा कि उन्होंने इस दौरान ट्विटर की मस्ती और झगड़े को बेहद याद किया। बता दे, ऋषि ने रविवार को ट्वीट करके कहा है, हेलो, आपको बताना है कि मैं 23 दिनों के बाद वापस आ गया। आपको मस्ती और झगड़ा तो आपने मिस किया ही होगा। तो वहीं इससे पहले ऋषि ने 29 मार्च को ट्विटर पर पोस्ट किया था। वो अक्सर ट्विटर पर अपनी फीलिंग्स को शेयर करते दिखाई देते हैं, जिसके कारण वो ट्रॉल भी हो जाते हैं। ऋषि कपूर इन दिनों अमिताभ के साथ 102 नॉट आउट में कर रहे हैं काम, और साथ ही इस फिल्म में ऋषि कपूर अमिताभ बच्चन 27 साल बाद एक साथ नजर आएंगे। कुछ समय पहले इस फिल्म का टीजर भी सामने आया था। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड में हमेशा से अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाने वाले भाग्यश्री, जिन्होंने सलमान के साथ मैंने प्यार किया में काम किया था, तो वहीं शादी के बाद भाग्यश्री ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। बता दें, एक्ट्रेस भाग्यश्री हाल ही में अपनी बेटी अंकिता दिसानी के साथ एक शादी में शिरकत करने गई थी। अवंतिका ने शादी की तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया। दोनों ही ट्रेडिशनल साड़ी पहने बेहद ही खूबसूरत दिखी। बता दें कि अवंतिका 23 साल की है और उन्होंने लंदन के बिजनेस स्कूल से पढ़ाई भी की। उनके पास बिजनेस और मार्केटिंग की डिग्री है। तो वहीं दूसरे स्टार किड की तरह वो भले ही पार्टीज और इवेंट में ना नजर आती हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं। अवंतिका इंस्टाग्राम पर 11,000 से भी ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। बता दें, भाग्यश्री का एक बेटा अभिमन्यु भी है, जिसकी उम्र 27 साल की है और वो फिल्म में डेब्यू करने ही वाला है। तो फ्रेंड्स, आपने अपने फेवरेट प्रोग्राम फ्लैशबैक में देखा कि क्या कुछ चल रहा है इन दिनों बॉलीवुड में, और साथ ही साथ थोड़ा फ्लैशबैक भी हम आपको लेके गए कि किस तरह से पहले भी इन कपल्स के साथ क्या होता था। पहले तो आपने जाना होगा कि किस तरह से माधुरी अनिल जो है वो इन दिनों काफी ही ज्यादा लाइमलाइट का कारण बने हुए हैं, और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि किस तरह से 18 साल पहले भी उन्होंने अपनी फिल्म के लिए वो पोज दिया था, जो सेम पोज इस बार उन्होंने टोटल धमाल के लिए भी दिया। आपको बता दें कि माधुरी हमेशा से ही अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है और साथ ही साथ बेहतर डांस के लिए भी। माधुरी ने शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री से काफी ज्यादा गैप ले लिया था। उसके बाद फिर से वो एक बार आप सभी को ही सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई देंगी। तो वहीं आपने ये भी देखा कि नीतू और ऋषि की कहानी जो हमने आपको दिखाई कि किस तरह से ऋषि जो है वो नशे में नीतू को मारा भी करते थे, इस बात का जिक्र खुद नीतू ने किया। तो वहीं आपने जाना कि वो ऐसा कौन सा शख्स था जो नीतू की मदद करता था। नीतू ने बताया कि हमारे परिवार में एक रूल है कि कोई भी इंसान किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं झांकता। उन्होंने कहा कि मेरे को समझ आ चुका था कि सिर्फ एक शख्स के अलावा मेरी मदद कोई नहीं करेगा। आपने जान लिया कि आखिर वो शख्स कौन है, तो आपको बता दे कि वो शख्स उनके बेटे हैं,
यानी रणबीर कपूर। वही एक ऐसे शख्स थे जो अपनी माँ को पिटने से अक्सर ही बचाते भी थे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उस वक्त अच्छा नहीं लगता था कि किस तरह से मैं अपने बेटे को पिता के खिलाफ ही खड़ा कर रही हूँ। फिलहाल आपने जाना कि और ऐसी कौन सी खबरें थी जो इन दिनों काफी ही ज्यादा खबरों में छाई हुई है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय। Subscribe and press the bell icon for latest updates.